नमस्कार, लता बावर्ची में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ जाल फ्रेजी भेज सब्जी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही चटपटी होती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रख देंगे और उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और 1 प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है। और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो वही प्याज को हम उसमें डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालकर इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। तो इसे हमने करीब 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें बीन्स डाल देंगे। आप देख सकते हैं बीन्स के मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर रखे हैं और उसे मैंने डाल दिया। और 1 मैंने हरी शिमला मिर्च और 1 लाल शिमला मिर्च लिया, उसे भी मैंने काट लिए हैं और उसे भी इसमें डालकर इसको भूनेंगे। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी को हमने सबसे पहले गर्म पानी में बॉईल कर लिया था, क्योंकि जब भी हम गोभी की सब्जी बनाते हैं तो हम गर्म पानी में 1 उबाल उसको ज़रूर बॉईल करते हैं। तो मैंने गोभी को डाल दिए हैं इसमें और 1 टमाटर को काट कर डाले हैं और 3 से 4 मैंने मशरूम लिए, उसे भी काट लिए हैं और 1 मैंने गाजर लिए हैं, उसे भी मैंने काट कर इसमें डाल दिए और अब हम इसे भूनेंगे। तो हमने 2 मिनट तक इसे भून लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे और उसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे ताकि सब्जी में अच्छी तरीके से टेस्ट आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। तो अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक देते हैं। तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी जो है सो बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इसमें हम प्याज के पत्ते डाल देते हैं। हरा प्याज जो आता है उसे हम डालेंगे और उसे डालकर इसे हम मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे हम कुछ देर के लिए और इसे ढक देंगे ताकि सब्जियां जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं कि थोड़ा सा खट्टा मीठा का टेस्ट आ जाए। और इसमें हमने विनेगर 1 ढक्कन विनेगर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा खट्टा हो इसकी वजह से। और इसे डालकर हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिला देंगे। अब हम सब्जी को फिर 1 से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमने 2 मिनट के बाद इसे खोला है तो ये सब्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है। लेकिन जब हम इसको गोभी को पकाकर देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा भी टाइट है, तो अच्छी तरीके से दब नहीं रहा है। तो इसे हम कुछ देर के लिए और पका लेते हैं। और इसमें हम टोमेटो सॉस डाल देंगे ताकि मुझे तो जाल फ्रेजी सब्जी जो भेज होती है वो चटपटी होती है, तो उसके ये हम टोमेटो सॉस डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सब्जी बिल्कुल ही बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे 1 बाउल में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है और खाने में भी उतना ही बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जिस तरीके से रेस्टोरेंट में जाल फ्रेजी भेज सब्जी बनती है एकदम बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मेरे घर में ये सब्जी बहुत ही सबको पसंद आई है, खास करके मेरे बेटे को तो बहुत ही पसंद आई है। तो आपको अगर ये सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखते